वेलकम बैक टू चैनल, और एक बार फिर से आपका दोस्त अतुल आपके साथ। और आज एक नए पंडाल का अपडेट लेके आए हैं, जो कि पटना का सबसे महंगा पंडाल है। इसकी लागत अप्रॉक्स 65-70 लाख जो है बताई जा रही है। पिछला अपडेट आपको इतवारपुर पंडाल का दिए थे, जो कि पटना का सबसे ऊंचा पंडाल था, लेकिन ये पंडाल जो है वो पटना का सबसे महंगा पंडाल है। और ये पंडाल है अभी जहां हम खड़े हैं, ये डगबंगला चौराहे का पंडाल है। तो आज आपको इसका अपडेट देंगे कि इसकी बनावट कैसी है, पंडाल कितना ऊंचा है और क्या कुछ है। और इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए हमारे एक मित्र हैं, ज्योत प्रकाश जी, इनको आप लोग जानते होंगे क्या जी। हाँ, तो ये पंडाल का खासियत है कि इस बार जो है इंडोनेशिया के एक मंदिर के तर्ज पे पंडाल बनाया गया है। और जो है खास बात यह है कि कोलकाता से जगदम्बिका पाल नाम के कलाकार हैं, जो मूर्तिकार हैं, वो मूर्ति बना रहे हैं। तो सबसे बेहतरीन रहने वाला है ये जो है डाक बंगला चौराहा का जो पंडाल है, वो तो सबसे बेस्ट लोकेशन है घूमने के लिए आज से। और जानते ही हैं कि ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है डाक बंगला चौक का ये पंडाल, क्योंकि हर साल महत्वपूर्ण होता है। बिहार के मुखिया हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे जितने भी मुख्यमंत्री रहते हो, जब भी कोई भी तत्कालीन मंत्री मुख्यमंत्री रहते हैं, यहाँ पे आरती में सम्मिलित होते हैं। और जितने भी श्रद्धालु रहते हैं, मेला घूमते घूमते सबसे पहला चॉइस या तो डाक बंगला शुरू करते हैं या डाक बंगला कब करते हैं। और यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा लगती है, जैसे कि आप लोग इस वीडियो में हम यहाँ के जो अभी ऑर्गेनाइजर हैं उनसे भी मिलवाएंगे, मंदिर के पंडाल के अंदर का भी दर्शन कराएंगे, किस तरह से कलश स्थापना हो गया, अंदर में काम चल रहा हो, सब चीज़ दिखाएंगे, बने रहिए। और बात की जाए इस पंडाल के थीम की, तो यहाँ का थीम इस बार है इंडोनेशिया का एक प्रबनन टेम्पल है, मतलब कि विदेश के एक टेम्पल के प्रारूप को इस पंडाल में दिया जाएगा। बात की जाए इस पंडाल के हाइट की, तो हाइट की लगभग है 85 फीट, और पूरे एरिया का बात की जाए तो अप्रॉक्स 3500 स्क्वायर फीट जो है इस बार इस पंडाल का होने वाला है। तो गाइज अभी हम लोग हैं डगबंगला पंडाल के अंदर, और यहाँ पे इस चीज़ का पंडाल किस तरीके से बनाया गया ये आप नज़दीक से देखिए। ये स्टोन आप लोग देख रहे हैं, इसको चिपकाया गया है, और ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट वाला सेक्शन, ये फोम का सेक्शन है, और इस पर गम से जो है वो चिपकाया गया है सब स्टोन को। और यही पूरा आपको अंदर के पूरे पंडाल में जो है वो देखने को मिलेगा, वो ऊपर आप चक्र जैसा जो देख रहे हैं उसमें भी यही चीज़ है। और बाकी बाहर का पंडाल आपको अभी दिखाते हैं, वहाँ पर अभी काम चल रहा है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार माँ का जो है भव्य रूप से हो रहा है, इस पर क्या बदलाव देखे जा रहे हैं? नवयुवक संघ श्री दुर्गा पूजा समिति ट्रस्ट डाकबंगला रोड पटना। दुर्गा पूजा के लिए पटना ही नहीं पूरे बिहार वासियों के लिए एक केंद्र बिंदु बनता है। पूरे देश में कई तरह के मंदिर और भवनों का निर्माण यहाँ पंडाल के माध्यम से हम लोग पूर्व में दिखा चुके हैं। इस बार संस्था के द्वारा इंडोनेशिया का प्रबनन टेम्पल का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। इंडोनेशिया विदेश का भी इस बार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कारीगर कहाँ से लोग? कारीगर सब कलकत्ता से आए हैं। लाइटिंग की भी जो हम लोग की व्यवस्था की गई है वो भोला इलेक्ट्रिकल चंदन नगर से ही है। आपको मैं बता दूं, यह जैसे कलकत्ता में पूजा होता है उसी तर्ज पर पहला ये संस्था है बिहार की,
जो पटना में कलकत्ता के तर्ज पर पूजा संपन्न यहाँ होती है बड़े हर्षोल्लास के साथ। लाखों लाख लोग आते हैं, लाखों लाख लोग आते हैं, 10 लाख से भी ऊपर लोग सप्तमी अष्टमी नवमी में आएंगे और दर्शन करेंगे। क्योंकि 2 साल भव्य रूप से नहीं हो पाया तो इस बार काफी माँ की प्रतिमा में कुछ खास इस बार देखा जाए। माँ की प्रतिमा हम हर वर्ष हम लोग आशीर्वाद देते हुए रूप में हम लोग यहाँ देते हैं, जो जगन्नाथ पाल जी कलकत्ता के मशहूर मूर्तिकार हैं वही बनाते हैं। और यहाँ अभी आप जो जगह देख रहे हैं काफी छोटा दिखता होगा, लेकिन प्रभु की कृपा है कि उस समय सप्तमी अष्टमी नवमी पट खुलते ही लगता है कि कोई गंगा का तट हो गया है, किसी समुद्र का तट हो गया है। और भीड़ मतलब चूटी ससरने की भी जगह नहीं रहती। और इस पर आप प्रश्न करेंगे कि तब सुरक्षा कैसे आप लोग कर पाते हैं, सुरक्षा की भी बड़ी व्यवस्था है। क्लोज सर्किट टीवी और वॉच टावर के अलावा संस्था के सदस्य यहाँ सिविल ड्रेस में पूरा मूव करते रहते हैं। अगर सिक्योरिटी की भी व्यवस्था रहती है, जिला प्रशासन, कोतवाली इंस्पेक्टर साहब, डीएसपी साहब, सीनियर एसपी, सिटी एसपी साहब, सब लोग बड़ा कोऑपरेट करते हैं और सबों का यहाँ ध्यान रहता है। क्योंकि आपको बताने में और हमें कहने में भी गर्व होता है कि महामहिम राज्यपाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी लोग सुदूर द्राव से जो हमारे श्रद्धालु हैं वो भी सभी यहाँ आते हैं। और हम लोगों को इस संस्था में काम करने पर भी गर्व महसूस होता है। लगभग कितने सदस्य होंगे और कितने आपके वॉलेंटियर होंगे जो पिछले कई महीनों से लगे होंगे इस? लगभग 300 से 400 लोग इसमें हम लोग खुद लगे। जी जी। और महीना क्या, 6 महीना से तो पंडाल का निर्माण कलकत्ता में हो रहा है, अभी 1.5 महीना से आप यहाँ देख रहे हैं जो स्ट्रक्चर सब बन के आया है उसको सब यहाँ हम लोग कार्य रूप दे रहे हैं। जहाँ तक माता की बात हो रही है तो पहली बार ऐसा, हर बार की तरह इस बार आप लोगों का जो बजट है सबसे हाई है पटना में, हर बार रहता ही है। देखिए बजट की बराबर लोग चर्चा करते हैं, हम लोग बजट इसलिए नहीं दे पाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारा सहयोग भी मिलता है। कोई आटा दे दिया, कोई चावल दे दिया, कोई चीनी दे दिया, कोई घी दे दिया, तो उसको हम बता के लमसम हम लोग बोलते हैं कि लाखों रुपया खर्च होता है, बस समझ रहे हैं। तो खर्च तो होता ही है, आर्थिक मदद साथ साथ लोग काइंड में भी मदद करते हैं, सामान भी देते हैं, श्रम भी बहुत लोग फ्री में करते हैं, वो भी मदद है। लेबर का कॉस्ट 500-1000 रुपया है जो भी किसी किसी कार्य में बच जाता है हम लोग। तो ये चंदे का जो मुख्य स्रोत है आम लोगों को, व्यवसायिक संघ या फिर कोई संघ नहीं, चूंकि हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष संजीव प्रसाद टूनी जी के नेतृत्व में हम लोग बड़ा ही सुनियोजित ढंग से इस कार्य को करते हैं। तो ये था गाइज आपका वीडियो पटना के डक बंगला चौराहा का, और ये देखिए कि पंडाल में अभी काम चल ही रहा है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो, बाय।